नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर्षा इस चैनल में। और हिंदी की जो श्रृंखला मैं स्टार्ट किया था उसमें मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है हिंदी का वो है तद्भव तत्सम। तो आइए तद्भव तत्सम पढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला मैं स्टार्ट कर रहा था वो भी कॉन्टिन्यूसली चल रही है। और ये आज का है तद्भव तत्सम। ये हिंदी जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा, जो कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं लोअर पीसेस वगैरह जो आ रही हैं अधीनस्थ से, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और यारों को भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भेजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को जो है इसका लाभ मिले और मैक्सिमम लोगों का लाभ सुनिश्चित हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तद्भव तत्सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है, बट अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह से पूछने का तरीका ये लगातार जो है चेंज हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ तद्भव होगा और यहाँ पे तत्सम होगा, ठीक है ना। तत्सम मैं बता दे रहा हूँ, तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। आइए जैसे उजाला, तो उजाला है तो उजाला का क्या हो जाएगा तत्सम, उज्ज्वल। उजाला का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ये आपका तत्सम हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए उजाला का क्या है तो उज्ज्वल है। इतवार, इतवार का हो जाएगा आदित्यवार। इतवार का क्या हो जाएगा दोस्तों, आदित्यवार। अचरज, तो अचरज का क्या हो जाएगा, आश्चर्य। अचरज का क्या हो जाएगा, आश्चर्य। अटारी, अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। कपड़ा, तो कपड़ा का हो जाएगा करपट। कपड़ा का हो जाएगा करपट। सींग, जो गाय की सींग होती है, सींग नहीं श्रृंग होता है, श्रृंग। सींग का तत्सम क्या होता है, श्रृंग होता है। मक्खी, मक्खी का होता है मक्षिका। मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। हुलास, हुलास का होता है उल्लास। उल्लास का होता है उल्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुलास का होता है उल्लास, इंपॉर्टेंट आया है। नारियल, तो नारियल का होता है नारिकेल। नारियल का दोस्तों होता है नारिकेल, याद रखिएगा। नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है। चूरन, तो चूरन का होता है चूर्ण। चूरन का होता है चूर्ण। तीता, तीता का होता है तिक्त। जैसे हम जो कोई चीज़ खाते हैं मिर्चा वगैरह लग जाता है, तीता लगता है ना, तो तीता को तीता ना बोल करके तिक्त कहा जाता है। गधा, गधा का गर्दभ होता है। गधा का गर्दभ होता है। कोयल, कोयल का होता है कोकिल। कोयल का होता है कोकिल। कोकिल से याद आया, एक जीएस का प्रश्न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब भारत कोकिला आपसे पूछा जाए तो आप सरोजनी नायडू लगाएंगे, बट अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कोकिला कौन है, तो स्वर कोकिला जो है आपकी लता मंगेशकर है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू हैं और स्वर कोकिला जो है वो आपकी लता मंगेशकर हैं, ठीक है। आइए सूरज, तो सूरज का होता है सूर्य। सिंगार, श्रृंगार। भंवरा, भंवरा का भ्रमर होता है। भंवरा का भ्रमर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आया है। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, भंवरा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप याद रखिए। भौरा, अली, मधुकर आदि आदि बहुत सारे हैं, उसको आप याद करिए। मुंह, मुंह का होता है मुख होता है। कपूर का होता है कर्पूर। कपूर का होता है कर्पूर। और कपूर से भी एक परीक्षा का प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि कपूर क्या है, ठोस अवस्था में है, और जब कपूर जो सीधे गैस अवस्था में जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन मेथड, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होना वो आपका सब्लिमेशन मेथड यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है, और गैस से ठोस में कन्वर्ट होना डिपोजिशन कहलाता है। तो ये दोनों परीक्षा के प्रश्न उपयोगी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। गुसाई, गुसाई का होता है गोस्वामी। गुसाई का होता है गोस्वामी। खंडहर का होता है खंड गृह। खंडहर का होता है खंड गृह। कंगन, तो कंगन का होता है कंकड़। कंगन का क्या होता है, कंकड़। कचहरी, कचहरी का होता है कृत्य ग्रह। कचहरी का क्या होता है, कृत्य ग्रह होता है। कपास, कपास का होता है कर्पास। कपास का होता है कर्पास। ओझा, ओझा का होता है उपाध्याय। ओझा का होता है उपाध्याय। कपूत,
कपूत का होता है कुपुत्र। और कपूत पे नहीं आया एक कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, तो वही है कपूत का कुपुत्र। कटहल, कटहल का होता है कंठफल। 21, 2-1 होता ना, 21, 21 को बोलते हैं एक विशंति, 21 को कहा जाता है एक विशंति। ऊंट, ऊंट का होता है ऊष्ट, ऊंट का होता है ऊष्ट। उलाहना, उलाहना का होता है उपालंब। ईंट, ईंट का होता है इसिका। ईंधन का ईंधन होता है दोस्तों, ईंधन वे होते हैं जो जलने पे क्या होते हैं, ऊष्मा देते हैं, ईंधन। आंवला, आंवला का होता है आमलक। उगलना, कोई चीज़ जैसे आप कन्फेस कर रहे हैं, उगलना है, नहीं कहते उगलना, उगलना का होता है उद्गलन। टकसाल, टकसाल का टंकशाला। डाइन, डाइन का डाकिनी। तमोली, तमोली का होता है तांबुलिक। तलवार का होता है तरवारी। तिगुना, तिगुना मतलब तीन गुना, तो त्रिगुण होता है ये, तिगुना का त्रिगुण होता है। तीस का होता है त्रिशंत, तीस का होता है त्रिशंत। दूल्हा का होता है दुर्लभ, दूल्हा का होता है दुर्लभ। देवर, देवर का होता है द्विवर, देवर का होता है द्विवर। धीरज का होता है धैर्य, धीरज का होता है धैर्य। नंदोई का होता है नन्ना द्रिपति, नन्ना द्रिपति इंपॉर्टेंट है। निहाई, निहाई का दोस्त होता है निधाती, निहाई का क्या होता है, निधाती होता है। नींद का क्या होता है, निद्रा, नींद का होता है निद्रा। नींबू का होता है निम्बक। नेवला का होता है नकुल। पंख का होता है पक्ष, पंछी का होता है पक्षी। पछतावा का होता है पश्चाताप, वेरी इंपॉर्टेंट। पड़ीवा का होता है प्रतिपदा, पड़ीवा का होता है प्रतिपदा। पानी का होता है पानी, पानी का होता है पानी। पाहुना का होता है प्रागुण, पाहुना का होता है प्रागुण। पीपल का होता है पिप्पल, पीपल का क्या होता है दोस्तों, पिप्पल होता है। पोखर का होता है पुष्कर, जो पोखरी होती है गांव वगैरह में आप देखते होंगे पहले, अब तो नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है, बट गांव में जो पोखर वगैरह होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पोखर का पुष्कर। पोथी का पुस्तिका, पोथी का पुस्तिका। व्यास, व्यास का पिपासा, व्यास का पिपासा। फिटकरी का स्फटिक, फिटकरी का स्फटिक। फिटकरी ना बोल के जो शुद्ध वर्ड होता है स्फटिक होता है, और फिटकरी होता है रासायनिक, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल स्वाइस 24H2O। फागुन, तो फागुन नहीं फाल्गुन होता है, फाल्गुन इसका शुद्ध वर्ड होता है। बंदर, वानर। बगुला का होता है वक। बच्चा का होता है बस। बसेरा का वासगृह होता है। बनारस का वाराणसी होता है। बहन का होता है भगनी, बहन का होता है भगनी। रात का होता है रात्रि। मदारी का होता है मंत्रकारी। मसान का होता है शमशान। मौसी का होता है मातृश्वसा, मौसी का होता है मातृश्वसा। लोहार का होता है लोहकार। सनिच्चर का होता है सनिश्चर। तो ये था आज का तद्भव तत्सम दोस्तों, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जो कि परीक्षा उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है इसको अच्छे से आप देखिएगा और पूरा पूरा वीडियो आप देखा कीजिए, आपको निश्चित तौर पे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो एग्ज़ाम बीत गए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, जो आगे आने वाले हैं उसमें भी आपको मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।